साथियों, आज कल ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है। इससे समय की भी बचत होती है, दुकानदार से झिक झिक भी नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि दुकानदार माल बेचते समय उसका बर्ताव कुछ और होता है, और अगर आपको किसी कारण बस वापस करना पड़े तो फिर उसका रुख ही बदल जाता है। बहुत सारी बातें हैं जिससे लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं हम लोगों को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो लोग भी हम लोगों के बीच से ही हैं। वो दुकानों पर बैठे रहते, उनकी दुकानदारी नहीं होती, और ऑनलाइन शॉपिंग से कहीं ना कहीं हमारी जो बाजारू अर्थव्यवस्था है या हमारी आसपास की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमराई है। वहीं एक आज खबर है गुजरात के अहमदाबाद से, तो वहाँ की खबर ये है कि गुजरात के साबरकांठा ज़िले में ऑनलाइन आर्डर से एक पार्सल आया। कहते हैं कि रिक्शे वाला पार्सल देकर गया, और पार्सल को जैसे ही खोला गया वैसे ही उसमें एक ज़ोरदार धमाका हुआ, और पिता सहित पुत्री, दो बच्चियां जो है, एक पुत्री की मौत हो गई पिता के साथ, और दो बच्चियां गंभीर रूप से घायल हैं। अब सोचने वाली बात है कि आखिर उसमें क्या है। लोग अंदाज लगा रहे हैं कि शायद कोई उसमें इलेक्ट्रॉनिक वस्तु थी। तो साथियों, पार्सल ये तो एक फिल्मी घटना हो गई कि बैग को खोला और ज़ोरदार धमाका हुआ। तो साथियों, पार्सल खोलते समय बहुत ही सावधानी रखें, क्योंकि जो चीज़ बाहर से आई पता नहीं उसमें क्या हो। तो बिल्कुल एहतियात के साथ, खासकर कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु हो तो बहुत ही संभाल कर उसको खोलें, और ये जांच परख लें कि जो चीज़ आपने ऑर्डर की, कभी कभी क्या होता है कि आपने कुछ ऑर्डर भी नहीं किया और आपके घर कोई पार्सल आ जाता है और आपको लगता है कि शायद किसी ने कुछ मंगाया होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, ऑनलाइन शॉपिंग करें, आज की मांग है, लेकिन बहुत ही सोच समझ कर, और इसके साथ साथ आपके जो आसपास के दुकानदार हैं उनको भी सेवा का मौका अवश्य दें।